Ali Kadri here with another session of budget or budgetary series. I am highly grateful to the team for this idea aur bada unique idea diya ki HQ blog ki team ne aur jitne bhi doston ne hame encourage kiya. I am highly grateful. Ji to doston baat ho rahi thi deemed income ki. Dekhen isme jaise kaha gaya hai deemed income ka ek to ye bhi bada masla hai ki dekhiye isko jo hai na hame dekhna hoga ki jo aapka jo jurisdiction hai wo banti bhi hai isko hum laga bhi sakte hain ki nahi. और जो टेस्ट ऑफ बेसिकली जुडिशरी है उसको ये पास करता है कि नहीं, यानी ये लॉ जो है जब आगे अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो पास कर सकेगा या नहीं. अभी आसिम साहब जो हैं जो कि चेयरमैन एफबीआर हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि जनाब इट इज़ नॉट अ बिग डील और ये बेसिकली हमने लॉ मेकिंग अथॉरिटी है और जो हमारे बेसिकली जुडिशियल सेक्शन है उससे हमने ये चीज़ देखी है एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम और ये बिल्कुल चलेगा. जैसे कि हम इम्पैक्ट की इसकी बात कर रहे थे क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, मैं इसकी कुछ इम्पैक्ट की बात आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम कैपिटल गेन टैक्स के साथ इसका मुवाजना करें तो हमें समझ ये आती है कि डीम्ड इनकम का जो टैक्स लगाया गया है 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और कैपिटल गेन टैक्स को भी रैशनलाइज कर दिया गया है विद द गेन टैक्स ऑन सिक्योरिटीज़. जो आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में उसको ऑलमोस्ट उसके अलाइन कर दिया गया है विद द प्रॉपर्टी मार्केट, ताकि प्रॉपर्टी में शेयर की डीलिंग करें आप या शेयर मार्केट में डीलिंग करें इट इज़ क्वाइट वन ऑफ द सिमिलर थिंग्स. एक चीज़ जो की गई है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा फ़ायदा इस लिहाज से बचाया गया है कि उसके अंदर ओपन प्लॉट्स के मुकाबले में कैपिटल गेन टैक्स का जो इतलाक है वो कम है और उसके रेट्स कम हैं और जो होल्डिंग पीरियड है वो भी रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द जो ओपन प्लॉट मार्केट है. तो एक चीज़ ये है और ये बहुत अहम चेंज है, लेट मी टेल यू, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, बहुत मेजर चेंज है. एक मेजर चेंज जो है जनाब वो है रिगार्डिंग डिजिटल मीन्स. डिजिटल मीन्स में जनाब वो कहते हैं कि जी 1 मिलियन तक की जो ट्रांजेक्शन है, पहले 2.5 लाख था और अब वो कहते हैं कि जी आई होप के आई एम गेटिंग द फिगर राइट, प्रॉब्ली इट्स 1 मिलियन और 250,000 बट आई बिलीव इट्स 1 मिलियन एज पर द डेटा दैट आई हैव विद मी एट द मोमेंट. तो उसमें यह है कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि आप डिजिटल मीन्स के ज़रिए पे करेंगे. अब देखें इसमें हमारा भी एक मौक़िफ़ है कि बिल्कुल डिजिटल मीन्स को आप यूज़ करें और डिजिटल मीन्स का लॉ पहले कहा गया था कि नोटिफाई करेंगे तो अब नोटिफाई कर दिया गया है. लेकिन असल बात यह जो समझने वाली बात है कि जनाब आप बिल्कुल इसको करें लेकिन आप उसके लिए अवेयरनेस भी तो करें ना. अभी तो आपकी कैश इकॉनमी है तो अगर कैश इकॉनमी की ही अवेयरनेस नहीं है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तो हाउ कुड यू से कि ये डिजिटल मीन्स जो है मतलब इट इज़ इनवोकेबल और ये सारा कुछ हो सकेगा. एक बड़ा अच्छा काम हुआ है जो हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये गाड़ी जो है उसकी डेप्रिसिएशन पहले 2.5 मिलियन तक अलाउड थी, अब 5 मिलियन तक उसको ले गए हैं और ऑन टॉप ऑफ इट जो इनिशियल डेप्रिसिएशन है उसके अंदर भी बेहतरी की तरफ चेंजेस की गई हैं और उसको प्रॉपर अलाउ किया गया है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज वाला लॉ जो पुराना इनैक्टमेंट थी वो वापस आ गया. एक और चीज़ जो कि बड़ी अहम है हम फर्दर देखते हैं इसके अंदर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के रिगार्डिंग है. अच्छा ये बात जो है ना ख़ास तौर पे जो हमारे लोग बाहर रिजाइड करते हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे बात करना चाह रहा हूँ कि अब आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि रेजिडेंसी का लॉ इंटरनेशनल चेंज हो रहा है. आप यू कैन नॉट एक्सेप्ट सर, आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहीं भी रेजिडेंट नहीं हूँ. मोस्टली ये होता था कि आप कहते थे कि जी मैं एक जगह रेजिडेंट हूँ दूसरी जगह नहीं हूँ, दैट इज़ फाइन. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से कहें कि जी मैं रेजिडेंट नहीं हूँ और आप इस्केप कर दें. बिल्कुल नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से अगर आपका लॉ है वो तो है ही है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और मुल्क में रेजिडेंट नहीं हैं और आप पाकिस्तान नेशनल हैं तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे. एज़ पर द फेयर रीडिंग प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ इज़ कंसर्न, मुझे ये बात समझ आती है कि आप रेजिडेंट हो जाएंगे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको रिटर्न बनानी पड़ेगी. अगर आप कहीं और रेजिडेंट नहीं हैं और आप ये बात साबित नहीं कर पाते टू बी ऑनेस्ट तो यू विल रिमेन द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद रिगार्ड टू टैक्स परस्पेक्टिव. अच्छा ये डायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम फर्दर डिस्कस करें इसके अंदर तो एक मिनिमम टैक्स का कैरी फॉरवर्ड जो है वो ख़त्म कर दिया गया है. ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कानून की रूह के साथ अलाइन नहीं है क्योंकि देखें अगर मिनिमम टैक्स आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट अगर कोई कंपनी लॉस करती है तो कैरी फॉरवर्ड उसका उसको अलाउ होना चाहिए और एडजस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली अलाउ होनी चाहिए. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दिया है, ये एक और इशू है. एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई है मैं ज़्यादा तौर पर एक बात करना चाहूँगा कि जो ऑडिट का जो कानून है उसके बारे में इन्होंने कहा है लास्टली, ये आज की हमारी लास्ट डिस्कशन होती है ऑडिट के रिगार्डिंग, कि टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी और रिजर्वेशन हमारी ये थी कि जनाब हर साल आप ऑडिट करने आ जाते हैं और आप कहते हैं कि जी हर साल ऑडिट होगा. तो उन्होंने कहा कि अगर पिछले 4 सालों में आपका ऑडिट हुआ है
तो करंट ईयर के अंदर जो है ना आपका ऑडिट पिकअप नहीं होगा. लेकिन हैविंग सेड दैट लॉ इज नॉट क्लियर ऑन इट, और आप जो है बेसिकली अपनी लॉजिक के मुताबिक ऑडिट जो है पिकअप कर सकते हैं. बट अगेन ये खुशाइन चीज़ है. तो नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी उस पर हम ऑडिट को, क्योंकि वो एक सीरियस टॉपिक है विद रिगार्ड टू डायरेक्ट टैक्सेस, उसको डिस्कस करेंगे. और ये हमारी छोटी छोटी वीडियोज़ आपके साथ चलती रहेंगी, हम नॉलेज स्प्रेड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे. और मकसद यही है कि जितना हो सके आसान फहम जवान में आपको एक्सप्लेन करें. अगर आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आए मेरी बात में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी भी इसलाह करने की कोशिश करूँगा. जाहिर है हम अकले कुल नहीं हैं, लेकिन अपना जो एक हिस्सा है वो आवाम के लिए डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बता सकें. कोई गलती कोताही हो गई है वो उसके लिए माजरत, और सराहने का इंतहाई शुक्रिया. थैंक्स फॉर लाइकिंग हसन गादरी.com.